सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस आज मैं कुछ इंस्टाग्राम का फोटो एडिट करने वाला हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल है और कुछ यूनिक टाइप का फोटो है। आप सोच नहीं सकते हो कि इस टाइप का फोटो कैसे ये एडिट हो सकता है और कैसे नहीं। तो गाइस आप चाहते हो इस टाइप का फोटो एडिट करने के लिए, तो हमारे वीडियो में बने रहना और वीडियो को मिस मत करना। अगर आप न्यू हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ ना, आपको सबसे पहले वीडियो ना आपके फ़ोन में पहुंच जाए। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट्स गो। तो गाइस चलते पिक्सआर्ट की तरफ। अब पिक्सआर्ट कर लेते हैं ऑन। तो पिक्सआर्ट ऑन करने के बाद गाइस क्या करना है, आपको सबसे पहले ये पिक्सआर्ट ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। उसके बाद ऑन करने के बाद पिक्सआर्ट, और उसको क्या करना है आपको इस प्लस आइकन में क्लिक करना है। उसके बाद अपनी फाइल में चले जाना है। तो अपने फाइल में जाने के बाद क्या करना, अपनी फाइल में जाने के बाद क्या करना है आपको ये फोटो को जैसे कि अब कट किया हुआ, ठीक है, PNG बनाया मैंने, इसको कैसे कट करना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो फोटो, तो गाइस कट करने के लिए आपको जाना है टूल्स में, और टूल्स में जाने के बाद आपको फ्री क्रॉप में क्लिक कर लेनी है, ठीक है। आपको मतलब जितनी बॉडी कट करनी है आपको आम सीएलिए भर देनी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है, ठीक है गाइस। तो ऐसे जितना भी बॉडी अपना अच्छे से अच्छे तरीके से आपको यहाँ से कट कर लेनी है। मैं यहाँ पे मैं इसको वीडियो को पॉज करके कट कर लेता हूँ, ताकि वीडियो लंबा ना हो। आप देख सकते हो गाइस, जैसे कि आपको बॉडी कट करना है तो आप जाकर जितने भी बॉडी पे रेड ऐसे भरोगे वही अपनी बॉडी कट होगी, ठीक है। तो गाइस हमें अभी यहाँ वीडियो को पॉज कर देता हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। तो गाइस देखो, हमारा जो फोटो पहले से मैंने कट किया था उसको आपको दिखाने के लिए मैं ऐसा किया बताया हूँ कि ऐसा आप कट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, कट करने के बाद आपको जाना है ड्रा टूल में। ड्रा टूल में जाने के बाद आपको इस ड्रा को ड्रा पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको तीन डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे फोटो को सेव कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और उसके बाद क्या करते हैं अपने बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में ऐड करते हैं। तो यहाँ से मैं अपने बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद क्या करना है गाइस, आपको जाना अपने फाइल में। तो चलते अपने फाइल में आ जाने के बाद आपको ये वाली बैकग्राउंड ले लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने बैकग्राउंड ले लेता हूँ, और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद इस बैकग्राउंड का जो साइज़ है यहाँ पे बड़ा कर लेनी है, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे करना 1717, ठीक है। तो यहाँ से कर देते हैं डन, और डन करने के बाद क्या करना है अपनी फोटो को यहाँ पे ऐड करनी है। तो चलते हैं अपने ऐड फोटो में, फोटो कर लेते हैं ऐड। तो अपने फोटो में ऐड करने के बाद आपको ये फोटो को ऐड कर लेनी है, कुछ इस तरीके से आपको ऐड करनी है गाइस। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ, थोड़ा फोटो कैसे घुमा देनी है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा जो फोटो अच्छे तरीके से यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद कैसे क्या करना है आपको मैं बता रहा हूँ। आपको जाना फिर से ऐड फोटो में, चलते हैं ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद क्या करना है अपनी फाइल में आ जानी है। अपनी फाइल में आ जाने के बाद आपको हेयर स्टाइल ऐड कर लेनी है। यहाँ से मैंने हेयर स्टाइल को ऐड कर लिया, और यहाँ से सेट कर लेता हूँ। यहाँ से कर लेते हैं सेट, कुछ इस तरीके से गाइस आपको सेट करना होगा। तो गाइस आप देख सकते हो अच्छे तरीके से हमारा जो हेयर स्टाइल है सेट हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद क्या करना है आपको यहाँ पे कुछ PNG लगाना, ठीक है। तो फिर चलते हैं ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको चलना है फिर से यहाँ पे फाइल में। फाइल में आ जाने के बाद आपको ईयरली PNG को ऐड कर लेनी है। तो यहाँ PNG को मैंने ऐड कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस इस PNG को मैंने सेट करता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है आप यहाँ पे कुछ इसको डन कर लेते हैं, और डन करने के बाद क्या करना है कुछ यहाँ कलर सेटिंग करना है। तो कलर सेटिंग करने के लिए चलते हैं लाइटिंग की तरफ, वहाँ पे कुछ कलर सेटिंग करते हैं। तो कलर सेटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको ड्रा टूल में जाकर अपनी फोटो को सेव कर लेनी है। तो तीन डॉट पे क्लिक करके फोटो को अपने सेव कर लेते हैं, और चलते हैं लाइटरूम की तरफ। तो गाइस हमारा जो लाइटरूम ओपन हो चुका है, तो यहाँ से अपनी फोटो कर लेते हैं ऐड। इसे प्लस ऐड पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको अपनी फोटो को ऐड कर लेनी है। तो हमारा जो फोटो यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद क्या करना है गाइस अपनी फोटो को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद स्लाइड पर क्लिक करना है, और यहाँ से कर लेते हैं कुछ लाइट सेटिंग। तो यहाँ पर थोड़ा लाइट को कम करेंगे, लाइट को कम करने के बाद थोड़ा शैडो को बढ़ा देंगे, और वाइट बैलेंस यहाँ पर आप कम भी कर सकते हो। तो मैं वाइट बैलेंस को मैं कम कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा ब्लैक को यहाँ पे बढ़ा दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है आपको मिक्स पे क्लिक करना है, और थोड़ा यू को आपको कम कर देनी है, ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से आपको। उसके बाद क्या करना है थोड़ा सैचुरेशन को आप यहाँ पे कम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको लुमिनेंस, ठीक है, लुमिनेंस को आपको थोड़ा बढ़ा कर रख देनी है। उसके बाद क्या करना है गाइस आपको यहाँ पे ब्लू टोन पे क्लिक करना है। यहाँ पे यू को थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा, कम कर दूंगा। इसके थोड़ा सैचुरेशन को यहाँ पे आपको कम बेसी करना है, तो मैं इसको बढ़ा कम कर देता हूँ। थोड़ा यहाँ पे लुमिनेंस, तो लुमिनेंस को थोड़ा बढ़ा दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है गाइस आपको इस पर क्लिक करना है ऑरेंज पे। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे कम बेसी करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ,
ठीक है। उसके बाद करना है थोड़ा लुमिनस आपको बढ़ा देनी है ताकि मुझे फेस आपकी व्हाइट हो जाए, ठीक है। उसके बाद यह करना आपको यहाँ से करनी है डन, और डन करने के बाद यह करना आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सेचुरेशन को आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से बढ़ा कर रखनी है यहाँ पे बढ़ा दिया। उसके बाद करना वाइब्रेंस को थोड़ा सा आपको यहाँ पे आपको बढ़ा कर रखनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैं बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद यह करना है आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यह करना है आपको यहाँ पे क्लैरिटी को बढ़ा लेनी है। उसके बाद आपको वाइब्रेंट को बढ़ा लेनी है कुछ इस तरीके से, यहाँ मैं बढ़ा लेता हूँ गाइस। उसके बाद यह करना है आपको इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा शार्पनेस को बढ़ा लेनी है, और शार्पनेस को बढ़ाने के बाद आपको इस पर क्लिक करके फेस स्मूथ कर लेनी है। स्मूथ करने के बाद कलर नॉइस को बढ़ा लेनी है ताकि जो कलर नॉइस है अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो फोटो है एडिट हो चुका है। तो ऐसे यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा मैं जो PNG मैंने पहले फर्स्ट में जो इंस्टाग्राम वालों सेव किया था उसको मैं फिर से ऐड करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर से पिक्सार्ट में। तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक करते हैं, और शेयर पे क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पिक्सार्ट का ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ से शेयर कर लेनी है अपने पिक्सार्ट में। तो यहाँ से मैं पिक्सार्ट में शेयर कर लेते हैं। तो हमारा पिक्सार्ट है, तो पिक्सार्ट में फोटो यहाँ पे शेयर हो चुका है। तो वैसे हमारे जो पिक्सार्ट में फोटो है ऐड फोटो जो आ चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं आप थोड़ा सा। चलते हैं ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद क्या करना है, जाना है अपनी फाइल में। अपनी फाइल में जाने के बाद आपको ये वाली फिर से लाइक जो है ये इंस्टाग्राम वाली, इसको फिर से मैं ऐड करूँगा कुछ इस तरीके से। तो वैसे यहाँ से मैंने ऐड कर लिया हूँ। तो वैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत अच्छा से एडिट हो चुका है, बट यहाँ पे कुछ इफेक्ट देने वाला हूँ। तो चलते हैं इफेक्ट में, और इफेक्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इफेक्ट्स यहाँ लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कर लेनी है। अब यहाँ पे बहुत सारा आपको इफेक्ट्स मिल जाएगा जो कि आप अच्छी तरीके से इफेक्ट्स देख सकते हो। तो ऐसे मैंने इफेक्ट जो देने वाला हूँ मैं इसको भी यहाँ पे दे दूँगा कुछ इस तरीके से इफेक्ट। यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद गाइस आप देखते हो कितना बेहतरीन लग रहा है। तो गाइस आप इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए क्या करना है, आपको जाना है ड्रा टूल में। ड्रा टूल में जाने के बाद इस फोटो को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करना है। तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन आता है आपको बीच पे जो लिखा हुआ है सेव इमेज, तो आपको सेव इमेज पे क्लिक करके सेव कर लेनी है। तो गाइस आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो गाइस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और इस घंटे को प्रेस करते हुए जाना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे।